नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। श्रावस्ती में पुलिस के घेराबंदी से चोरों को पकड़ने के चलते शातिर चोरों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। नाजायज तमंचा, कारतूस, मोटरसाइकिल और पंपिंग सेट के साथ चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मोटरसाइकिल जो कि चोरी की बताई जा रही है, इसके अलावा नकदी और आदि संबंधों के अपराध करने वाला चोरों का शातिर गिरोह बताया जा रहा है। शातिर चोरों पर आर्म्स एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। दर्ज थाना मलहीपुर क्षेत्र के मनवरिया जंगल के साइफन के पास की घटना बताई जा रही है। डीसीएम और बारातियों से भरी मैक्स पिकअप गाड़ी में भीषण टक्कर हो गई। सड़क हादसे में एक बाराती के मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। आधा दर्जन से ज्यादा बाराती गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को सदर अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद कानपुर रेफर कर दिया गया। हमीरपुर से बांदा जनपद के जसपुरा थाना क्षेत्र वापस बारात जा रही थी। सुमेरपुर थाना क्षेत्र के टीड़ा गाँव के पास ये हादसा हुआ। बस्ती के जिला कारागार में निरुद्ध कैदी विजय शंकर की मौत के मामले में जेल प्रशासन पर 302 धारा के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसकी मेडिकल रिपोर्ट शासन को भेज दी गई। शासन ने ज्ञान लेते हुए जिला अधीक्षक दिलीप कुमार पांडे को निलंबित कर दिया गया है, जिसकी पुष्टि जिलाधिकारी सौम्य अग्रवाल ने की है। परिजनों ने बंदी के ऊपर पिटाई से मौत का आरोप लगाया था। जो विजय शंकर की जो मौत हुई है, उसके क्रम में जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, उसके संदर्भ में शासन को रिपोर्ट भेजी गई थी और शासन ने उस पर सख्त कार्रवाई करते हुए जेल अधीक्षक को निलंबित किया है और उसमें जो पुलिस की कार्रवाई है वो गतिमान। हरिद्वार से यमुनोत्री जा रही चारधाम यात्रियों से भरी बस कल शाम 200 फीट गहरी खाई में जा गिरी थी। इस हादसे में अब तक 26 लोगों की मौत हो चुकी है। घटना की सूचना पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उत्तराखंड पहुंचे। उन्होंने मृतकों के परिवार वालों को 5-5 लाख रुपए मुआवजा और घायलों को 50-50 हजार रुपए की घोषणा की है। बस हादसे के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मौका मुआयना किया है, अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। हरिद्वार में शातिर टोपीबाज महिला गिरोह वारदात को अंजाम दे रहा है। ऑटो से उतरकर जाती दिखी शातिर महिला गैंग सीसीटीवी में कैद हुई है। ऑटो रिक्शा में बैठी सवारी के पर्स से सोने चांदी और पैसे लेकर फरार हो गई। रविवार को ये पूरी घटना बताई जा रही है करीब 12 बजे की, जहां पर एक महिला के पर्स से लाखों के जेवरात उड़ा लिए गए। पुलिस सीसीटीवी कैमरे के आधार पर उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रही है। कन्नौज जिले में भीषण गर्मी, तेज धूप और लू के बढ़ते मामलों की वजह से मरीजों की संख्या लगातार जिला अस्पताल में बढ़ रही है। काफी सारे संक्रमण रोग हैं, जिसकी वजह से बच्चे और नौजवान भी इसके चपेट में आ रहे हैं। अस्पताल में लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं, दवा लेने के लिए अपने नंबर का इंतजार करते हुए मरीज नजर आ रहे हैं। देखने में आ रहा है कुछ अस्पताल में कुछ ज़्यादा भीड़ उमड़ रही है, क्या कारण है, किन कारण से इतनी भीड़ आ रही है? देखिए, नॉर्मली गर्मी का सीज़न है, इसमें थोड़े संक्रामक रोग बढ़ भी जाते हैं, तो इसलिए भीड़ तो बढ़ना स्वाभाविक है। परंतु अभी जो भीड़ जो ज़्यादा देखने में आ रही है, उसमें थोड़े से गर्मी के चलते जो लूज मोशन और वॉमिटिंग के जो केसेस हैं, उनकी इजाफा थोड़ा सा हुआ है। इनडोर भी हमारी बढ़ी है, आउटडोर भी हमारी बढ़ी है, और उसके केसेस थोड़े ज़्यादा आ रहे हैं। कुछ ही केसेस वीकनेस के भी आ रहे हैं, जो लवण के ह्रास से या ज़्यादा एक्सेसिव स्वेटिंग से इस तरीके के केसेस आ रहे हैं। फीवर इत्यादि के भी केसेस आ रहे हैं, परंतु उसके उतने नहीं जितने कि ये थोड़े डायरियल डिजीजेस के आ रहे हैं। सर, आम दिनों के देखते हुए लगभग कितनी ओपीडी बढ़ी है पेड़ में? अब विगत माह से कम 100 की संख्या की ओपीडी बढ़ गई। जैसे पिछले हफ्ते का ही अगर आप प्रोफाइल देखें तो 500 से ऊपर की चल रही, 500 से 600 की ओपीडी हो रही है, और अभी उत्तरोत्तर इसके बढ़ने की ही संभावना है। सर, गर्मी को सीजन के लिए डायरिया के कुछ मरीज आ रहे हैं, इनके लिए क्या कोई विशेष व्यवस्था की है? जी हाँ, इनके लिए सारे जो दस्तक अभियान के और संचारी रोग अभियान के जिस तरीके की जो ट्रेनिंग हुई थी, सारे डॉक्टर्स को, पैरामेडिकल्स को, उसके लिए अप्राइज करा दिया गया है।
बाकी वार्डें और एक्स्ट्रा चिन्हित कर ली गई हैं। समय की धारा में बहुत कुछ प्रभावित होता है, कुछ लोग भटक जाते हैं। अपराध के रास्ते दिल पहुंचे ऐसे लोगों को सामाजिक जीवन की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास वरिष्ठ जिला अधीक्षक सहारनपुर अमिता दुबे के निर्देशन में किया जा रहा है। जिला राजेश कुमार पांडे द्वारा अनोखी पहल करते हुए कैदियों के आचरण में बदलाव लाने, उन्हें तनाव मुक्त करने के लिए और वो अच्छे रास्ते पर जाएं, इसके लिए जिला जेल में रोजाना कीर्तन का आयोजन किया जा रहा है। मनोदशा में सुधार के लिए अध्यात्म से जोड़ने की कवायद के चलते रोजाना सहारनपुर जेल में सुबह सवेरे कीर्तन होता है और ये किसी मंदिर से कम नजर नहीं आता। पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी के मामले में बीजेपी ने अपनी पार्टी प्रवक्ता नुपुर शर्मा को पार्टी से बाहर कर दिया है, लेकिन मामला शांत नहीं हो रहा। इस मामले पर एआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि देश के मुसलमानों की बात आती है तो पीएम मोदी उनकी नहीं सुनते। उन्होंने बीजेपी पर देश के मुसलमानों को अपमानित करने का आरोप भी लगाया। ओवैसी ने पत्रकारों से बात करते हुए बीजेपी और पीएम मोदी पर जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को 10 दिन बाद भी क्यों याद आया कि नुपुर शर्मा को पार्टी से बाहर निकालना है। बीजेपी अपने लोगों को बोलती है कि जाकर गाली दो। उन्होंने कहा कि बीजेपी अपने प्रवक्ताओं से कहती है कि टीवी डिबेट में हेट स्पीच दो। ढाई साल से भी ज्यादा का समय बीत गया है, कोरोना अब भी अपना असर दिखा रहा है। कोरोना के खतरे के बीच ही दुनिया में और भी कई खतरे मंडराने शुरू हो गए हैं। एक्सपर्ट्स पहले ही चेता चुके हैं कि कोरोना आखिरी महामारी नहीं है। ऐसे में नए नए वायरस सामने आने के बाद दुनिया पर एक और महामारी का खतरा मंडराने लगा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के मुताबिक दुनिया के कई देशों में इस समय कोरोना के अलावा और भी कई गंभीर बीमारियां फैल रही हैं। दुनिया के 27 देशों में मंकी पॉक्स के करीब 800 मामले सामने आ चुके हैं। इसके अलावा 33 देशों में बच्चों में एक्यूट हेपेटाइटिस के 650 मामले सामने आए हैं। भारत में भी कोरोना के अलावा दूसरी और बीमारियां फैल रही हैं, खासकर केरल में टैम्टोफ्लू, वेस्ट नाइल फीवर, स्वाइन फ्लू और नोरा वायरस से या तो मौत हो चुकी है या इनके मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। बदायूं में SSP बदायूं ने आलापुर थाना क्षेत्र की ककराला पुलिस चौकी के पुलिस कर्मियों द्वारा चोरी के शक में एक युवक को प्रताड़ित और रिश्वत लेने के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। SSP ओपी सिंह ने ककराला चौकी इंचार्ज सत्यपाल, सिपाही नरेंद्र, शेखर सोनू, विपिन सहित दो अन्य लोगों पर आलापुर थाने में भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा के तहत मुकदमा दर्ज कराया है। SSP डॉक्टर ओपी सिंह ने सभी सस्पेंड करते हुए विभागीय जाँच के आदेश भी दिए हैं। के कस्बा ककराला की एक आवेदिका वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के कार्यालय में आकर उपस्थित हुई और उनके समक्ष एक प्राप्त पत्र दिया, जिसमें उसके बेटे के साथ मारपीट की घटना कारित हुई थी, जिसमें तत्कालीन चौकी इंचार्ज व 4 आरक्षियों के नाम थे जिनके द्वारा उसके बेटे के साथ मारपीट की गई। उक्त के संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा क्षेत्राधिकारी दातागंज को जाँच सौंपी। जाँच में प्रथम दृष्टया आरोपी की पुष्टि पाते हुए एक अभियोग थाना अलापुर में पंजीकृत हुआ। तत्कालीन चौकी इंचार्ज ककराला और 4 आरक्षी के विरुद्ध रेलवेंट सेक्शंस में और इसका विभागीय कार्रवाई का आदेश भी वरिष्ठ पुलिस महोदय द्वारा दिया गया है। बाकी विवेचनात्मक कार्रवाई थाना स्तर पर की जा रही है। एक दिल्ली काम करता है, उसके ठेकेदार जो है कॉलोनी में रहता है, पैसे लेने गया था। कहाँ पे? अलई नगरा के रोड पे है कॉलोनी। ये कहाँ है अलई नगरा? ये ककराले से थोड़ा आगे है साइड में। हाँ, वहाँ से पहुँचने से पहले इन्होंने पकड़ लिया हमारे भाई को। किसने? नरेंद्र था 5 और जो है पुलिस वाले भी थे 4, नाम नहीं बता रहा हूँ। और 5,000 रुपये दिए थे हमने, ठीक है। एक बार 40,000 दिए थे, वो वापस नहीं दिए। किसने? ये नरेंद्र ने। काय के पैसे? ऐसे ही उठा लिया शक में। और क्या बोलते हैं, और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी विजय मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विजय, क्या कुछ ये पूरा मामला है, कितने दिन पुराना है और क्या कुछ अपडेट अब तक इस पर मिल पाया है? विजय
देखिए ये बता दूं मैं आपके, बदायूं जनपद के थाना अलापुर में ककराला चौकी आती है, ककराला चौकी पे ये 2 मई का मामला है और 2 मई में चोरी के शक में एक व्यक्ति को ककराला से उठाया गया था, जिसमें पुलिस ने अपनी बर्बरता दिखाते हुए इस हद तक बिजली के करंट से लेकर के मारपीट से लेकर के यहाँ तक कि उसके मलाशय में लोहे की राड तक डाल दी थी, जिसकी स्वास्थ्य खराब हो गया था। और आपको बता दें कि इसकी शिकायत जब परिजनों ने एसएसपी से की है तो इस पर 5 जो चौकी पूर्व चौकी इंचार्ज सतपाल सहित 5 पुलिसकर्मियों पर मुकदमा दर्ज हुआ है और उन्हें निलंबित कर दिया गया है। बिल्कुल विजय, देखा जाए तो इस समय जो यूपी पुलिस है वो अपने अच्छे कारनामों से वाहवाही लूट रही है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो कुछ पुलिसकर्मी ऐसे भी हैं जो इस तरह की हिमाकत कर रहे हैं और इस तरह से थर्ड डिग्री लोगों को दी जा रही है। हालांकि इस पूरे मामले में कार्रवाई की गई है, लेकिन सवाल ये है कि सिर्फ शक के बिना पर इस तरह से प्रताड़ित कैसे किया जा सकता है किसी को भी। देखिए काजल जी, इस समय जब बात करें यूपी पुलिस की तो यूपी पुलिस हालांकि कोरोना काल से लेकर के एक अच्छी छवि उत्तर प्रदेश में पुलिस की देखने को मिलती है और कुछ चंद पुलिस कर्मी जो है जिस तरह से पुलिस को बदनाम करने के उससे इतना बर्बरता दिखा देते हैं, हालांकि चोरी का सिर्फ शक था और शक में इतनी थर्ड डिग्री टॉर्चर जिस तरह से किया गया है इसको देखते हुए बदायूं पुलिस ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश की पुलिस पर जिस तरह से उसकी छवि धूमिल हुई है इसकी भरपाई तो नहीं हो सकती। हालांकि यहाँ पे एसएसपी ओपी सिंह ने जो आदेश दिया है उसमें जांच दातागंज सीओ प्रेम कुमार थापा को दे दी गई है और जांच के बाद जो तथ्य निकल कर सामने आएंगे उन्होंने आश्वासन भी दिया एसएसपी ने कि पीड़िता के परिवार को न्याय जरूर मिलेगा। ठीक है विजय, शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो बदायूं का ये पूरा मामला जहां पर चोरी के शक में पुलिस कर्मियों ने बर्बरता की है जिसके बाद एक्शन लिया गया है, जो भी पुलिसकर्मी है जो भी सिपाही है उन्हें निलंबित कर दिया गया है और साथ ही साथ पीड़ित परिवार को आश्वासन भी दिया गया है। फिलहाल के लिए इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।